अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय पबजी विजन चैनल। तो भाई लोग कैसे, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज इस वाली वीडियो में एक बार फिर से पबजी में सीजन 10 के वीक 4 के ऑल चैलेंजेस को डिस्कस करने वाले हैं, वो भी इस सिंगल वीडियो में। तो वीडियो को देखते रहिए और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। जो चलिए आपका टाइम ज़्यादा नहीं वेस्ट करते हैं, स्क्रीन पर शो हो रहा है आपको चैलेंज रीच द प्लैटिनियम टायर आर अबव, यानी आप लोगों ने प्लैटिनियम टायर या इससे ज्यादा आप लोगों ने क्रॉस करना है तो आप लोगों का ये चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। रीच प्लैटिनियम टायर क्या होता है, मतलब प्लैटिनियम टायर कौन सा होता है, तो यहां पर अगर आप लोगों सेशंस पर आते हो यानी सीजंस पर, तो सीजंस पर यहां पे आप लोगों को रैंक शो हो रहा है। मैं अभी तक गोल्ड वी में हूँ, ठीक है। आप लोगों ने इसको यानी प्लैटिनियम में आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आप लोगों ने पहुँच जाना है अपने आप को, ठीक है। और टायर किस तरह बढ़ता है, जब आप लोगों के गेम प्ले पर डिपेंड करता है। अगर आप लोग गेम में ज़्यादा टाइम तक सर्वाइव करते हो, डैमेज ज़्यादा करते हो, लोगों को ज़्यादा बंदों को मार देते हो और ज़्यादा टाइम तक अपने आप को ज़िंदा रख पाते हो अपने गेम में, तो आप लोगों का ये टायर जो है पहुंच जाएगा और क्रॉस हो जाएगा, जिससे आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को स्क्रीन पर दूसरा जो चैलेंज शो हो रहा है, गेट अ लेवल 3 हेलमेट इन 10 मैचेस। तो आप लोगों ने करना क्या है, इसके लिए आप लोगों ने 10 मैचेस को प्ले कर देना है और 10 ही मैचेस में आप लोगों ने लेवल 3 के हेलमेट जो होते हैं वो आप लोगों ने उठा देनी है। और ये 10 मैचेस आप लोगों ने, अगर आप लोग क्या करो, वो ड्राप जब आता है तो ड्राप की तरफ अगर आप लोग जाते हो तो उसमें आप लोगों को लेवल 3 का हेलमेट जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद एक और चैलेंज हमारे पास आ रहा है, किल एट लीस्ट 2 एनिमीज फ्रॉम द सेम स्क्वाड 2 टाइम इन क्लासिक मोड। तो भाई लोग इस चैलेंज के लिए आप लोगों ने सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आप लोगों को अगर स्क्रीन पर शो हो रहा है तो यहाँ पे एरेंगल आप लोगों ने प्ले कर देना है, ठीक है। एरेंगल यानी क्लासिक में एरेंगल में आप लोगों ने मैच प्ले कर देना है, ठीक है। उसमें आप लोगों ने करना क्या है, उस मैच में आप लोगों ने किसी एक ही टीम के 2 बंदों को आप लोगों ने मार देना है, किल करना है। उसके बाद आप लोगों का ये चैलेंज इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तो हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, किल एन एनिमी फ्रॉम 80 मीटर अवे 3 टाइम। तो आप लोगों ने 80 मीटर की दूरी पर आप लोगों ने बंदों को मार देना है, ठीक है, एक ही बंदे को। तो वो एक ही बंदे को, मतलब आप लोगों ने 80 मीटर की दूरी पर मार देना है, लेकिन ये करना क्या होगा, आप लोगों ने 3 दफ़ा करना होगा। तो 3 दफ़ा अगर हो गया तो मतलब 3 ही बंदे आप लोगों ने किल करने हैं, वो भी 80 मीटर की दूरी पर, ठीक है। तो इससे आप लोगों का चैलेंज जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास चैलेंज आ रहा है, आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, लैंड ऑन टॉप ऑफ एनी बिल्डिंग इन द स्कूल एरिया 3 टाइम्स। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एरेंगल यहां पे आप लोगों ने क्लासिक में एरेंगल प्ले कर देना है और यहां पर आप लोगों ने स्कूल के लोकेशंस पर 3 दफा उतर जाना है, ठीक है। लेकिन स्कूल की जगह जो होती है वहां पर बिल्डिंग के ऊपर आप लोगों ने उतर जाना है, ठीक है, वो भी 3 दफा। तो आप लोग यानी 3 मैचेस आप लोगों ने इसके लिए प्ले कर देने हैं, तो आप लोगों का यह चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक और चैलेंज हमारे पास आ रहा है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, किल 5 एनिमी विद कार 98। तो आप लोगों ने स्नाइपर यानी कार 98 के साथ आप लोगों ने 5 बंदों को मार देना है, आप लोगों का ये चैलेंज भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों को एक और चैलेंज आ रहा है, किल 20 एनिमीज विद स्कारेल। तो आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों को मैं जस्ट स्कारेल गन दिखा दूं कि आप लोगों ने यहाँ पे मैं आप लोगों को जल्दी से AR में है तो ये आप लोग देख सकते हो, इसके साथ आप लोगों ने 20 बंदों को मार देना है, ठीक है। 20 बंदों को मारोगे तभी आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो
और उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है जो कि आप लोगों को स्क्रीन पर शो हो रहा है, यूज़ द बॉ इमोट इन पुचंकी। तो आप लोगों ने करना क्या है, वही एरेंगल यानी एरेंगल क्लासिक में एरेंगल में आप लोगों ने मैच प्ले कर देना है और ये वाला इमोट पुचंकी के लोकेशंस पर यूज़ करना है। मैं जल्दी से आप लोगों को बॉ इमोट बता दूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को 40 RP पे बॉ इमोट मिल रहा है, ये आप लोग देख सकते हो। आप लोगों ने जस्ट करना क्या है, इस इमोट को आप लोगों ने एक दफ़ा यूज़ करना है पुचंकी के लोकेशन पर, तो आप लोगों का ये चैलेंज जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, किल एन एनिमी 18 मीटर आर मोर अवे विद अ ग्रेनेड ट्वाइस। करना क्या है इस चैलेंज में आप लोगों ने 18 मीटर की दूरी पर, इसे भी एक मतलब 18 मीटर की दूरी पर आप लोगों ने बंदे को मार देना है, लेकिन किस चीज़ के साथ, ग्रेनेड के साथ, ठीक है। उस चैलेंज में जो था आप लोगों ने जिससे भी आप लोग मार लो उस पर आप लोगों को कोई मतलब वो नहीं कि आप लोग ज़रूरी ग्रेनेड से मारोगे, लेकिन इस चैलेंज में आप लोगों ने ग्रेनेड से आप लोगों ने मार देना है, ठीक है, 18 मीटर की दूरी पर, लेकिन ट्वाइस यानी दो दफ़ा आप लोगों ने करना है। इसमें आप लोगों ने दो बंदों को मार देना है 18 मीटर की दूरी पर ग्रेनेड के साथ। उसके बाद हमारे पास एक और चैलेंज आ रहा है, किल 5 इनिमीज विद S1897, ठीक है। तो आप लोगों ने करना क्या है, यहाँ पे मैं आप लोगों को ये शॉट गन है, ठीक है, मैं आप लोगों को ये गन दिखा दूँ, तो जल्दी से शॉट गन में यहाँ पे आप लोगों को दिखा देना चाहता हूँ। तो ये वाला जो गन है आप लोगों ने, इस गन से आप लोगों ने क्या करना है, 5 बंदों को मार देना है, तो इससे आप लोगों का चैलेंज कंप्लीट हो जाएगा। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करके बेल आइकन को दबा देना, ठीक है, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले से मिल सके। और यहाँ पर मैं आप एक बॉक्स को ओपन कर देना चाहता हूँ, ठीक है, कि मुझे क्या निकलता है। वैसे भी मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, तो मुझे ये बॉक्स खुलना चाहिए कि मुझे क्या मतलब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सूट है और ये जो M24 के गन भी हैं इसमें, तो आई थिंक ये ड्रेस भी निकल जाए फिर भी अच्छी बात है। तो कुल जा सिम सिम, अभी देख लेते हैं क्या होता है। वाओ यार, कुछ भी ये मतलब आंखों वाला चीज़ मिल गया, वो भी एक टाइम यूज़ के लिए। तो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं।